कहानी लेके आया हूँ, माँ और एक बेटी की। तो एक बार रोज की तरह माँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल छोड़ने के बाद माँ घर आकर रोज की तरह अपना घर का काम करने लग जाती है। फिर कुछ घंटों बाद बाहर का मौसम पूरा बदल जाता है। बाहर काले बादल आने लगते हैं, बिजलियाँ कड़कने लगती है, बारिश होने लगती है, पूरा तूफान आता है। उसी समय घर की बिजली चली जाती है। माँ पूरी तरीके से डर जाती है। उसके बाद माँ की नज़र सीधे घड़ी की तरफ जाती है और घड़ी में माँ को मालूम पड़ता है कि बच्चे को लेने का टाइम हो रहा है। माँ पूरी तरीके से घबरा जाती है। माँ सोचती है अभी उसकी बच्ची का क्या होना रहेगा, वो डर नहीं रहेगी। माँ जल्दी से गाड़ी में बैठती है, जितनी जल्दी हो सके माँ जल्दी से गाड़ी में जाने की कोशिश करती है। माँ अपनी मन ही मन सोचती है कि अभी उसकी बेटी का क्या होना रहेगा, वो रो रही होगी, वो डर रही रहेगी। माँ अपनी मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। फिर उसी समय जब माँ स्कूल तक पहुँची, वहाँ उसकी बेटी गेट के पास खड़ी हुई देखती है। वो देखती है उसकी बेटी सीधे देख कर बस मुस्कुरा रही है, बस ऐसे ऊपर देखकर। फिर उसके बाद माँ उसके पास जाती है, उसे रेनकोट पहनाती है और पूछती है, बेटा तो ऊपर देखो मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उसके बाद बेटी बोलती है, माँ देखो, मम्मा देखो, गौर शायद आज मेरी फोटो खींचना चाहता है, देखो फ्लैश लाइट आ रहा है। तो माँ पूरी तरीके से चौंक जाती है और माँ खुश हो जाती है। माँ कुछ और सोच रही थी और उसकी बेटी कुछ और। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किलों का सामना बिना डरे करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें वो ताकत दी है, बस हमें उसे पहचानना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।